ढंग से नहीं किया। आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा एज एन एक्टर? दिलीप साहब से बहुत प्रभावित हुआ उनके काम से और उनकी अदाकारी से। कुछ जो शुरू शुरू में बचपने में जो फिल्में देखी थी वो दिलीप साहब की फिल्में थी। इंसानियत एक फिल्म थी जी, और वहाँ पर एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जो कि आज तक हमारे लिए एक मिसाल बने हुए। तो वो पहली पिक्चर थी जो आपने उनकी देखी थी जी। उसके बाद आपने हमने साथ ही काम किया उनके शक्ति में, तो उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? एक इसका बयान करना बड़ा मुश्किल काम है जावेद साहब, क्योंकि जिसे आपने बचपन से चाहा हो, प्रशंसा की हो और एक समझ लीजिए अपना गुरु माना हो, वो साक्षात आपके सामने अब खड़ा है, आपके साथ कंधे से कंधा लगाए खड़ा है, आपकी पीठ ठोंक रहा है, कभी कभी हाथ पकड़ के बात कर रहा है, ये सब बड़ी अजीब बातें होती हैं। और अचानक आपको एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि आपसे कहा गया है कि आप इनके बेटे हैं और आपके साथ ये आपको करना है, वो कुछ बोलेंगे फिर आप कुछ बोलेंगे। ये देखिए एक आम कलाकार के लिए ये शायद मामूली बात हो, लेकिन मेरे लिए तो साहब ये बड़ी मुश्किल सी बात थी, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जबकि मैं कॉलेज छोड़ छोड़ करके, क्लासरूम छोड़ छोड़ करके और कम से कम 40-45 बार मैंने गंगा जमुना देखी और कहाँ कहाँ से रुपया चोरी किया या किन दोस्तों से मैंने कहा कि भैया मुझे ये फिल्म एक बार फिर दिखा दो। तो उसके बाद अचानक उस शख्सियत के सामने खड़ा होकर के उन्हीं के साथ उसी माध्यम में काम करना, ये बड़ा ही अजीब बात।